तुमको, क्या हासिल हो गया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, क्या हासिल हो गया ये नफरत की राजनीति करके, क्या हासिल हो गया इस मुल्क को बांट के। आज मणिपुर का हिस्सा जल रहा है, सैकड़ों लोग मणिपुर के अंदर मार दिए गए, हमारी माताओं बहनों को वहां महिलाओं को नग्न करके निवस्त करके घुमाया जा रहा है। ये दरिंदगी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। जब ये मुद्दा मैंने उठाया, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया, और इनका गाली देने वाला एक सांसद बिधोड़ी, वो सांसद के अंदर एक सांसद को गाली देता है, उसको पूरी की पूरी पार्टी सम्मानित करने में लगी है। यह भारतीय जनता पार्टी आपकी बर्बादी की कहानी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं, तो अपने हाथ से उस बर्बादी की कहानी को मिटाने का काम करना है, और इस बार बीजेपी वालों को बुरी तरीके से हरा के उनके घर वापस भेजना है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के। किसान जब भी फसल का दाम मांगता है, उसके पीठ पर लाठियां बरसाई जाती है, उसका सर फोड़ दिया जाता है। जो लोग तुम्हारा सर फोड़ते हैं, उनको सरकार से हटाने का काम करो, उनको सत्ता से हटाने का काम करो। जो लोग सरकार में बैठकर तुम्हारा सर फोड़ने का काम करते हैं, इस बार जब ईवीएम की बटन दबाना, तो उनकी सरकार को फोड़ने का काम आपको करना है। सारे वादे पर झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया, भारतीय झूठा पार्टी। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। कि बहुत कम समय की सूचना पर इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, और लखनऊ जिला अब दूसरे जिलों के लिए एक सीख बनेगा कि अपने एक जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर इतनी संख्या में सिर्फ पदाधिकारी एकत्रित हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी से प्रदेश के कोने कोने में गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ये इस बात का साफ संकेत है। आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, आप सबका हृदय से अभिनंदन, हृदय से स्वागत। साथियों, मुझसे पहले बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें यहां पे रखी कि आज की इस मीटिंग में हमारा एजेंडा क्या है, हमको क्या करना है, आगे किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने जा रहा है, देश का चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली की सल्तनत का चुनाव होने जा रहा है, और दिल्ली की सल्तनत में एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो पिछले 9 साल से राज कर रहे हैं, 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, और अगर आप मोदी जी का एक भी वादा उठाकर देखेंगे, तो सारा का सारा वादा झूठा निकला, सारा का सारा वादा धोखा निकला। इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, वादा नहीं करते, क्योंकि वादा तो टूट। हम गारंटी पार्टी हैं, और ये वादा करने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। क्या कहा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी, भाइयों और बहनों, हमको सरकार में लेकर आओ, प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे पता है स्विट्जरलैंड की किस किस बैंक में काला धन रखा है, वो सारा का सारा काला धन मैं हवाई जहाज पे लाद के लेकर आऊंगा,
और लाखों करोड़ का जो काला धन लाऊंगा तो आपके खाते में कितना जमा कर दूंगा, कितना जमा कर दूंगा, सबको याद है, कोई भूला नहीं, सबको याद है। सबको 15-15 लाख मिलना था, 15 लाख आ गए आपके खाते में, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताओं बहनों ने सब्जी का पैसा बचा के, दूध का पैसा बचा के, घर की छोटी मोटी जरूरतों को कम करके, अपना पैसा बचा के 1500 की नोट जो अपने घर के संदूक में रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों काला धन यही है, इसको लाइन में जमा कर दो लग के, वो भी जमा करा लिया। करा लिया कि नहीं कराया बताओ, वो भी जमा करा लिया। जो पैसा आपके घर में था वो भी खाली कर लिया। उसके बाद मोदी जी ने कहा किसान भाइयों आपको फसल का दाम दोगुना करेंगे, हमको सरकार में लेके आओ, अब आपको फसलों के दाम के लिए टहलना नहीं पड़ेगा, जब मोदी प्रधानमंत्री होगा तो दोगुना आपको फसल का दाम मिलेगा। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, किसान जब भी फसल का दाम मांगता है उसके पीठ पर लाठियां बरसाई जाती है, उसका सर फोड़ दिया जाता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं जो लोग तुम्हारा सर फोड़ते हैं उनको सरकार से हटाने का काम करो, उनको सत्ता से हटाने का काम करो। जो लोग सरकार में बैठकर तुम्हारा सर फोड़ने का काम करते हैं, इस बार जब ईवीएम की बटन दबाना तो उनकी सरकार को फोड़ने का काम आपको करना है। आप कल्पना कीजिए कोई साइकिल की कंपनी वाला साइकिल बनाता है तो दाम खुद तय करता है, घड़ी बनाने वाला घड़ी बनाता है दाम खुद तय करता है, मोबाइल बनाने वाला मोबाइल बनाता है दाम खुद तय करता है, पानी की बोतल भरने वाला पानी की बोतल बनाता है दाम खुद तय करता है, अंकल चिप्स बनाने वाला चिप्स खुद बनाता है दाम खुद तय करता है। और तो और जो इस देश के अंदर सुई बनाने का भी काम करती है कंपनी, वो दाम खुद से तय करती है, और दाम भी तय करती है तो 10-10 गुना बढ़ाकर तय करती है, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछता नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि ये कोका कोला हमारे जमीन से पानी निकालते हो, कोका कोला की बोतल तैयार करते हो, सचिन तेंदुलकर का विज्ञापन दिखाते हो कि कोका कोला पिया सचिन तेंदुलकर ने और जोरदार छक्का मारा, हमारे नौजवानों को भी लगता है ऐसे ही कोका कोला पी के हम भी छक्का मारेंगे, दिखाते हैं कि नहीं, विज्ञापन दिखाते हैं। तो उसका दाम कौन तय करता है, कोका कोला की कंपनी का, कौन तय करता है, कोका कोला की कंपनी का मालिक कौन तय करता है, पेप्सी बनाने वाले का मालिक पेप्सी का दाम तय करता है। लेकिन आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, बैल की तरह दिन रात खेत में मेहनत करने वाला किसान अपना खून पसीना बहा के कर्ज में खाद की बोरी लाकर, डीजल का पैसा कर्ज में लाकर, सिंचाई का पैसा कर्ज में लाके जब अपने खेत के अंदर गेहूं पैदा करता है, जब अपने खेत के अंदर धान पैदा करता है, जब आलू की फसल तैयार करता है, मंडी में लेके जाता है, तो सरकार कहती है तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, दाम हम तय करेंगे धान का, दाम हम तय करेंगे गेहूं का। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन इस देश के अंदर बनेगी, किसान के वोट मिलकर तय करेंगे कि उनका लागत का मूल्य खेती के ऊपर क्या है और उसके ऊपर दोगुना मुनाफा उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए,
शेखर दीक्षित जी अगर एक एकड़ में जितने कुंटल गेहूं पैदा करेंगे ये इनका पता चलेगा ना इनको कि कितना दाम हमने लगाया इसमें, कि आप जान लोगे अच्छे से, बताओ हमको, जो पैदा करेगा उसको मालूम होगा ना। तो किसान का बोर्ड, किसान का संगठन मिलकर तय करेगा, सरकार के सामने प्रस्ताव देगा और उसका दो गुना दाम कम से कम किसानों को मिलना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी मानती है। और तीसरी बात, हमारे नौजवानों को बेवकूफ बनाया मोदी जी ने, कह लगे नौजवानों हमको वोट दे दो हम आपको हर साल कितनी नौकरी देंगे। जोर से बोलिए भाई, नौजवान हो तो आवाज जोर से आनी चाहिए, कितनी। अंकित परियार जी यहां आपके लोग नहीं है क्या, यूथ वाले हैं, आवाज बहुत धीरे आ रही, कितनी नौकरी देने के लिए बोला था, 2 करोड़। तो 18 करोड़ नौकरी मिल गई आपको, 18 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 9 साल के बाद। जब संसद में नरेंद्र मोदी जी से पूछा, मोदी जी 9 साल हो गए 18 करोड़ नौकरी मिलनी थी, कितनी नौकरी दिया आपने, तो मोदी जी ने कहा 7 लाख नौकरी हमने दिया है। कितनी नौकरी, वो भी कहां दिया है पता नहीं, मैं भी खोज रहा हूं कहां दिया है। अच्छा मोदी जी ऐसी ऐसी चीजों का ऐलान करते पूरा देश खोजने लग जाता है। कह लगे दरभंगा में एम्स का उद्घाटन कर दिया, सारे बिहारी वहां पहुंच के अपना देखने लगे दरभंगा का एम्स कहां है कहां है कहां है, पता चला एम्स बना ही नहीं। अभी गए भोपाल, बोले रानी दुर्गावती स्टेशन का उद्घाटन कर दिया, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। भोपाल वाले पहुंच गए, स्टेशन कहां है कहां है कहां है, बोले स्टेशन का आता पता नहीं पूरी दुनिया में उसका। सीखना है तो केजरीवाल से सीखो, ऐसे काम करो कि पूरी दुनिया दिल्ली में आए उसको देखने के लिए, कहां है मोहल्ला क्लिनिक, कहां है मोहल्ला क्लिनिक। तो नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 18 करोड़ नौकरी नहीं दिया। किसान को कहा फसल का 2 गुना दाम देंगे, नहीं दिया। माताओं बहनों से कहा काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, नहीं दिया। देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करना तो दूर की बात है, आज महंगाई आसमान पे पहुंच गई, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल, 100 रुपए के ऊपर डीजल गया, 250 रुपए में सरसों का तेल बिका, गैस का सिलेंडर 450 रुपए में था। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से कहा था भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना, 2014 में जब वोट देने के लिए जाना, लोकसभा में जब वोट देने के लिए जाना, तो घर का सिलेंडर देख के जाना। आज सिलेंडर 1200 का हो गया है, 24 में जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर जाना कि नहीं जाना, जाना है ना। 3 गुना जब दाम हो गया तो अब हम आपसे संजय सिंह कह रहे हैं कि जब इस बार वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के करोगे, सिलेंडर देख के जाओगे। तो महंगाई आसमान पे, कैंसर की दवा, किडनी की दवा, हार्ट की दवा, टीवी की दवा, 800 दवाओं का दाम महंगा किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। यह सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है, याद रखना, यह सरकार किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए, जोर से बोलिए, अडानी के लिए। आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपसे कहा फसल का दाम देंगे, आपसे कहा काला धन लाएंगे, आपसे कहा महंगाई कम 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 करेंगे, आपसे कहा 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, सारे वादे पर झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया, भारतीय झूठा पार्टी।
झूठ बोलने का काम करते हैं। जरा ध्यान से सोचना और अपने बच्चों का चेहरा देखकर सोचना, एक भी वादा अगर इन्होंने पूरा किया है तो इनको वोट दे देना। जब भी आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, आपको जाति और धर्म के नाम पर उलझा दिया जाता है। आप कहते हैं रोटी, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं शिक्षा, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं हमारे बच्चों को मिड डे का मील नहीं मिल रहा, कहते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आपका कोई भला अगर इन राजनीति से होता हो तो इस राजनीति का हिस्सा बन जाना, लेकिन अगर आपकी बर्बादी की कहानी हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं तो अपने हाथ से उस बर्बादी की कहानी को मिटाने का काम करना है, और इस बार बीजेपी वालों को बुरी तरीके से हरा के उनके घर वापस भेजना है। क्या हासिल हो गया तुमको, क्या हासिल हो गया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, क्या हासिल हो गया ये नफरत की राजनीति करके, क्या हासिल हो गया इस मुल्क को बांट के। आज मणिपुर का हिस्सा जल रहा है, आज दिल्ली से लगा हुआ मेवात, वहां पे इन लोगों ने नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, सैकड़ों लोग मणिपुर के अंदर मार दिए गए। वो मुद्दा जब मैंने देश के सदन में उठाया, हमारी माताओं बहनों को वहां महिलाओं को नग्न करके निवस्त करके घुमाया जा रहा है, ये दरिंदगी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। जब ये मुद्दा मैंने उठाया, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया, और इनका गाली देने वाला एक सांसद बिधोड़ी, वो सांसद के अंदर एक सांसद को गाली देता है, उसको पूरी की पूरी पार्टी सम्मानित करने में लगी है। यह है भारतीय जनता पार्टी। क्या हासिल हो गया आपको, बताओ जरा, आप सोचिएगा इसके बारे में, विचार कीजिएगा। मुझसे बहुत सारे नौजवान मिलने आते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही संजय सिंह जी, यहां धोखा हो गया, वहां धोखा हो गया, यहां पेपर लीक हो गया। तो कई बार गुस्से में मैं उनसे कहता हूं कि हां होना चाहिए, यही होना चाहिए। लोग आते हैं कहते हैं बिजली नहीं मिल रही, घंटों घंटों बिजली कटौती हो जाती है, बिजली के दाम महंगे आ रहे हैं। मैं कहता हूं कटौती होनी चाहिए। कहते हैं स्कूल टूटे हुए हैं, मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है खाने को। मैं कहता हूं ये तो देखना पड़ेगा। अस्पताल बर्बाद है। मैं कहता हूं ये सारी तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इसलिए कि आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पे। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देंगे तो कोई भारतीय जनता पार्टी वाला आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल नहीं बनाएगा, बिजली सस्ती नहीं करेगा, पानी पीने का साफ नहीं देगा, काला धन नहीं लाएगा, देश को लूटेगा और अडानी की झोली भरने का काम करेगा, अडानी की तिजोरी भरने का काम करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, और वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, और जब सरकार बन जाएगी आपके लिए काम नहीं करेगी तो आप रोगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें तो स्कूल नहीं है, हमें तो अस्पताल नहीं है, ये कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पेट्रोल पंप पे जाते हो हिंदू को सस्ते में पेट्रोल मिलता है क्या, जरा हमको बताओ, सस्ते में मिलता है, दवाएं आपको सस्ते में मिलती हैं क्या, डीजल सस्ते में मिलता है क्या। अगर सड़क टूटी रहेगी तो उस पर सिर्फ हिंदू ही चलेगा क्या, मुसलमान ही चलेगा क्या। अरे जब सड़क टूटी रहेगी, गड्ढा रहेगा, तो हिंदू मुसलमान सबके लिए रहेगा, बेईमानी रहेगी तो सबके लिए रहेगी, और उस गड्ढे में गिरोगे तो हिंदू भी गिरेगा, मुसलमान भी गिरेगा, सिख भी गिरेगा, ईसाई भी गिरेगा। ये इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती, और कब समझोगे आप। ये आपका घर लूट रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं लूट रहे,
ऐसा लूट रहे हैं कि आपको तो पता नहीं चल रहा, आने वाली पीढ़ियों का पैसा साफ कर दे रहे हैं। और आपको क्या कहते हैं, ले ले बेटा 5 किलो राशन, जाके खुश हो जा। कहते नहीं कहते, कहते कि नहीं कहते, हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। तुमको तो दे रहे हैं 5 किलो राशन, अगर तुम्हारा कोई कर्जा है 50,000 का भी कर्जा है तो आपके यहां तहसीलदार आता है, कालर पकड़ता है, ले जाके हवालात में बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता? और अडानी के ऊपर कितना कर्जा है मालूम है आपको, कितने का कर्जा है? एक कोई आदमी बोले, कोई फिगर बोले, आप बताइए वकील साहब कितना है कर्जा? कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये रेखा चतुर्वेदी जी बहुत पढ़ी लिखी है, मैं उनसे कह रहा था कि जरा आप 2.5 लाख करोड़ रुपए लिख दीजिए, तो बोले हम लिख नहीं पाएंगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अडानी की संपत्ति मालूम है कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया है अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का, मालूम है आपको? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख नहीं, 1300 करोड़ भी नहीं, 13000 करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। पूरा देश लूटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इतना पैसा देश का लूटा, इतना पैसा देश का माफ किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। 34 लाख रुपए का कर्जा एक व्यक्ति का था, उसकी मृत्यु हो गई, पुलिस वाले पहुंचते हैं, महिला पुलिस पहुंचती है, घसीट घसीट के उसको मारते हैं, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कोई सरकार में बैठा हुआ प्रतिनिधि योगी जी मोदी जी नहीं गए, कह रहे भाई ये व्यक्ति तो मर गया है, इनके परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो, किसकी गुलामी कर रहे हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये अडानी की सरकार चला रहे हैं, ये इंडिया की सरकार नहीं चला रहे। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, रेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम। और तुमसे क्या कहते हैं, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो कहते नहीं कहते? आपका खून इस बात पे नहीं खौलता कि आपके बच्चों का हक लूट लूट के उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तो बच्चों को मिलेगी नमक रोटी, और अडानी के नाम आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ चला जाता है। तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले, तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ। हमारा खून बहुत ज्यादा खौल रहा है, उबाल मार रहा है हमारा खून। हमारे घर में बेरोजगार लड़का बैठा है, हमको किसानी का दाम नहीं मिला, फसल का दाम। हमारा खून बहुत खोल रहा है, एक एक चीज का हिसाब दो, मांगना हिसाब कि नहीं मांगना है? ये कार्यकर्ता समागम इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश के गांव गांव में जाना है और इन बेईमानों से एक एक चीज का हिसाब आपको मांगना है। खून खोलता है कि नहीं खोलता आपका? आपका खून नहीं खोलता? 20,000 रुपए अभी आपका कर्जा बाकी हो, एजुकेशन का लोन लिया हो, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए,
ललित मोदी 3000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए, नितिन संदेशरा 6000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए, विजय माल्या 10000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। इनसे पूछो कहां है ललित मोदी, कहते पता नहीं। पूछो विजय माल्या कहां है, कहते पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले दो तस्वीरें आई, एक ललित मोदी की तस्वीर आई सुष्मिता सेन के साथ, दूसरी ललित मोदी की तस्वीर आई हिंदुस्तान के बड़े एडवोकेट हरीश साल्वे के साथ। तो मैंने कहा हरीश साल्वे को पकड़ो, उससे पूछताछ करो, ईडी वालों तुमको पता चल जाएगा ललित मोदी कहां है। वो तो वहां जाम छलका रहा है, उनके साथ जाम छलका रहा है। अभी पता चल जाए आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के बारे में, 1,00,000 रुपए की भी बेईमानी का, 10,000 रुपए की भी बेईमानी का पता चल जाए, उसको पुलिस से लेके ईडी से लेके सीबीआई तक सब पकड़ लेंगे, सब पकड़ लेंगे। ये बड़े बड़े लुटेरे हिंदुस्तान को लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 8 साल का आंकड़ा है, 8 साल का बैंकों का फ्रॉड हुआ है, 5,00,000 करोड़ रुपए का बैंकों का फ्रॉड। बैंक से पैसा उठाया, पैसा लूट लिया, बोले साहब पैसा, बोले कोई नहीं दिक्कत की बात नहीं, मोदी तुम्हारा भाई है, तुम हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओ। देश छोड़ के भाग जाते हैं, आराम से वहां पे बैठ के ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अडानी का जो घोटाला मैंने खोला था उसके बारे में खाली 2 लाइन जान लोगे, आपकी आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मॉरिशस एक छोटा सा देश है, टैक्स हेवन कंट्री है, जहां पे कोई टैक्स देने का प्रावधान नहीं है। वहां एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है। अडानी के भाई और चीन के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, दुबई के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, ध्यान से जरा सुनना, एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी का आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उस कंपनी में कर्मचारी कितने काम करते हैं पता नहीं, और उस कंपनी से 41,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर काला धन लगता है। एक ईडी, एक सीबीआई, एक एनआईए, एक इनकम टैक्स, एक भी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं अडानी से कोई पूछताछ कर ले। यह है नरेंद्र मोदी का न्याय। मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, सारे दांत चुटकियों में धुले नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर। और बेशर्मी देखिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलते हैं, कहते भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, कहते 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अजीत पवार ने, मेरे पास पूरी जानकारी है। देश के लोग इंतजार कर रहे थे अजीत पवार पकड़ा जाएगा, दूसरे दिन शपथ ले रहा है वो उप मुख्यमंत्री। ये मोदी वॉशिंग पाउडर का कमाल है। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले में फंसा था, सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी, लोग सोच रहे थे गिरफ्तार होगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। यदुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो इसलिए इन लोगों की किसी भी बात पर यकीन करने के लायक नहीं है, हर चीज में आपको धोखा दिया है। आपको जरा इस बार 2024 के लिए कमर कस के मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक बात लोगों को बताना पड़ेगा। यह हिंदू मुसलमान का जो चश्मा आपको पहना रखा है उस चश्मे को उतार कर फेंकना पड़ेगा और अपनी हकीकत को देखना पड़ेगा, अपनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और जब अपनी हकीकत से रूबरू हो गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, इतना लूटा जा रहा है इस देश को। ये लोग कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी भी कहते हैं भारत माता की जय, केजरीवाल भी कहते हैं भारत माता की जय, मोदी जी कहते हैं भारत
माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत का तेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत की बिजली बेचेंगे। केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे।